हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। आज अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखो, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था और उसके बाद यहाँ पर इसने प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया। आप देख सकते हो यहाँ से अगर मैं सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से एक सिंपल ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया, प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। लेकिन वापस 1 बजे के बाद हमें रिकवरी देखने को मिली और वापस निफ्टी हाई पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ से जो टारगेट आते हैं वो आते हैं 12,950 एंड 13,000, 12,950 और 13,000 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी। आज के दिन का जो वॉलेटिलिटी हुआ है निफ्टी में, इससे क्लियरली एक चीज डिफाइन हो रही है कि सेलर्स प्राइजेस को नीचे नहीं लेके आ पा रहे और काफी स्ट्रेंथ के साथ हमें रिकवरी देखने को मिल रही है नीचे के लेवल से। सो यहाँ से मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट मेजर हर्डल आता है वो 13,000 का आता है। सो 12,950 13,000 तक के लेवल्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो, यहाँ पर एक सिंपल इसने प्राइस एक्शन बनाया और एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, उसके बाद वापस हमें रिकवरी देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में यहाँ से जो नेक्स्ट मेजर लेवल आता है वो आता है 30,000 का। सो बैंक निफ्टी में 30,000 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो और निफ्टी में 13,000 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। सो कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है काफ़ी अच्छा बाय रहेगा और ये टारगेट मुझे लगता है दिवाली तक आ सकता है। सो 30,000 बैंक निफ्टी और 13,000 निफ्टी, ये टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। उसके पहले मैं आपको जो मैंने कॉल्स दिए थे टेलीग्राम चैनल में, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे मेंबर ज्वाइन हुए हैं लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि किस तरीके से ट्रेड करना है या उनको कॉल्स समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूँ कि मैं जो कॉल्स दे रहा हूँ वो क्या बेसिस पे कॉल्स है और किस तरीके से ट्रेड करना है। ये आज मैंने कॉल्स दिए थे मेरे टेलीग्राम चैनल में, ये जितने भी कॉल्स मैं देता हूँ सब कैश मार्केट लेवल है, फ्यूचर्स लेवल नहीं है और ऑप्शंस लेवल नहीं है। सो ऑप्शंस में भी आपको ट्रेड नहीं करना है, फ्यूचर में भी आपको ट्रेड नहीं करना है, ये कैश मार्केट के लेवल्स है। अब आप यहाँ पर रीड कर सकते हो सेल पिडिलाइट बिलो 1570। बिलो 1570 का मतलब होता है ये कंडीशनल ट्रेड है, मतलब 1570 के नीचे गया तो ही सेल करना है, उसके पहले आपको सेल नहीं करना है। आप देख सकते हो पिडिलाइट ने 1570 का लो तोड़ा और उसके बाद 1540 तक का लो बनाया है। सो पिडिलाइट में आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा। अब लोगों को कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ये मिस्टेक मत करना आप। बायोकॉन मैंने सेल दिया था 405 के नीचे, सेल बिलो 405। बायोकॉन 405 के नीचे गया ही नहीं है, आज का लो 406 है तो इसमें सेल लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ है, हम लोग इसमें सेल नहीं लेंगे। मैंने आपको क्लियरली मैसेज दिया है सेल बिलो 405। तो अगर आप 408 पे सेल कर रहे हो या 410 पे सेल कर रहे हो तो ये आप मिस्टेक कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है। क्लियरली मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ सेल बिलो 405। बायोकॉन भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, टीसीएस भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। आप देख सकते हो टीसीएस भी 2640 के नीचे सेल था और टीसीएस ने 2643 का लो बनाया है, तो टीसीएस भी ट्रिगर नहीं हुआ है, बायोकॉन ट्रेड भी ट्रिगर नहीं हुआ है और हैवेल्स भी ट्रिगर नहीं हुआ है। आप देख सकते हो हैवेल्स में भी मैंने बाय बोला था 845 के ऊपर और हैवेल्स ने हाई बनाया 842.90। सो बाकी तीनों ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुए हैं, सिर्फ पिडिलाइट ट्रेड ट्रिगर हुआ है। सो आपको कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करना है। जितने भी नए सब्सक्राइबर है, जितने भी नए मेंबर्स है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्टली ट्रेड करना चालू मत करो, पहले समझो आप क्या लॉजिक से हम लोग ट्रेड दे रहे हैं, क्या कंडीशंस के हिसाब से हम लोग ट्रेड दे रहे हैं और आपको कैश मार्केट में ही ट्रेड करना है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कि कॉल ट्रिगर हुआ है तो आपको सीधा 500,000 क्वांटिटी मारना है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करना है, पर ट्रेड क्वांटिटी आपका फिक्स होना चाहिए, मतलब हर एक ट्रेड में आपका क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए और कंडीशंस के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मैंने आपको जो कंडीशन दिया है बिलो मतलब इसके नीचे सेल करना है, अबव मतलब इसके ऊपर ही बाय करना है। अबव का मतलब होता है इसके ऊपर, बिलो का मतलब होता है इसके नीचे। सो आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रहा होगा क्लीन एंड क्लियर किस तरीके से मेरे कॉल्स पर ट्रेडिंग करना है। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करना और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट फॉलो करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखो क्योंकि आजकल का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, आप भी देख रहे हो। कई बार क्या होता है ट्रेड फेवर में जाता है और वहाँ से नीचे से रिकवरी होकर स्टॉप लॉस हिट होता है। सो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुरंत करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है तो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। इंट्राडे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रखना है ये भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सो आप वो वीडियो ज़रूर देखना और उसके बाद मेरे कॉल्स पे ट्रेड करना। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन बन रहा है,
ये डेली चार्ट है और सिंपल एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ये क्रॉस कर लेता है तो यहाँ से 670 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 15-20 रुपए के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बजट एंड में, काफी अच्छा बाय रहेगा। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट कॉल होगा हिंडालको। हिंडालको में आज फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिली और फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। हिंडालको में मुझे लगता है यहाँ से 215-220 तक के लेवल हमें इजिली देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है। हिंडालको का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है और शूटिंग स्टार के साथ फॉर्मेशन हुआ है डबल टॉप में, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाता है सेलिंग के लिए। काफी अच्छा सेलिंग स्ट्रक्चर लग रहा है टीवीएस मोटर। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।